नमस्कार, जय गौ माता, वंदे मातरम। मेरा नाम डॉक्टर शैलेश, गांव सरफपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश का निवासी। हमने अपने यहां गांव सरफपुर में मानसरोवर गौशाला एवं अनुसंधान केंद्र, जिसका कार्य लगभग पिछले 1.5 वर्ष से चला हुआ था और लगभग 2 महीने पहले हमारा इस ग्रुप गौशाला एवं अनुसंधान केंद्र का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है और हमने यहां जो बीमार घूमने वाली गायें थी, आवारा जंगल में घूमने वाली गायें थी, वो गायें जो लोगों ने जब तक उन्होंने दूध दिया तो उनको अपने घर पे रखा, उनका दूध पिया, और जब उन्होंने दूध देना बंद कर दिया तो उनको घर से खोल के भगा दिया। तो ऐसी गायों को हमने मानसरोवर गौशाला एवं अनुसंधान केंद्र में जगह दी या उनको रखा। गायों को रखने का एक हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि जैसे हमको बताया गया शास्त्र अनुसार कि गाय हमारी माता है, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण क्या है कि आज जो भारत में बीमारियों की संख्या या रोगियों की संख्या जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, रोकने का नाम नहीं दे रही है, उसके पीछे का जो उद्देश्य है, गाय से हर बीमारी कैसे संभव है ठीक करना, ये प्रमाण आपको वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से हम आप सभी को हमारे यहाँ मानसरोवर गौशाला एवं अनुसंधान केंद्र से समय समय पर आपके सामने दिया जाएगा या आपको दिखाया जाएगा। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो गाय के गौमूत्र, गाय के गौमय माने गोबर, गाय के दूध और दूध से बनने वाले जो पदार्थ है, चाहे छाछ है, चाहे दही है, मक्खन है या घी है, उनसे ठीक ना होती हो। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण है, जैसे एक अभी ताजा उदाहरण हमारे पास है कि गाय के गौमूत्र और गोबर और दूध से लगभग 4.5 साल की एक छोटी बच्ची जो हरियाणा के सोनीपत जिले से हमारे पास आई थे, अपने जो माँ बाप उसके लेके आए थे, उसको ब्लड कैंसर था, तो जिसको दिल्ली के रोहिणी में जो राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है वहां से बोल के उन्होंने उनको बताया था कि भाई बच्ची को 85% शरीर में ब्लड कैंसर जो फैल चुका है, अब कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कीमो ही एक बचा है। तो उन्होंने हमसे हमारे गौशाला में मानसरोवर गौशाला एवं अनुसंधान केंद्र सरकपुर में संपर्क किया और लगभग 2.5 महीने तक उनका इलाज चला और आज बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है। उनकी ये वीडियो भी हमारे पास है, उनकी पहली और अब की जो रिपोर्ट्स थी वो भी हमारे पास है, हम आपको समय समय पर वो देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। और हमारे यहाँ मानसरोवर गौशाला एवं अनुसंधान केंद्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाए जाने वाले एक जन स्वास्थ्य रक्षक CCH सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कोर्स भी कराया जा रहा है। हमारे यहाँ अब से पहले लगभग 2 सत्र हुए हैं या 2 नए बैच हुए हैं जिनमें भारत के भी विद्यार्थी रहे हैं और भारत से बाहर के भी हमारे मित्र और पड़ोसी देश नेपाल से भी विद्यार्थी आए हैं। तो हमारा उद्देश्य ये ही नहीं है कि सिर्फ सर्टिफिकेट दें और कोर्स कराएं और उनको भेज दें, नहीं, हमारा उद्देश्य ये है कि आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया जो बीमारियों के गर्त में डूब चुकी है, उन सभी को यहां से सीख के या पढ़ के जाने वाले जो विद्यार्थी लोग हैं वो अपने आप कैसे बहुत आसानी से ठीक कर सकें। तो जितना हम यहाँ पढ़ाते हैं उतना ही यहाँ हम प्रशिक्षण माने प्रैक्टिकल साथ के साथ देते हैं। तो कुछ विद्यार्थियों के हमने इंटरव्यू लिए हैं या उनके हमने अनुभव लिए हैं कि जो कुछ आपने यहाँ 5 दिन के भीतर रहते हुए सीखा, जाना, पढ़ा, समझा,
वो आपको कैसे लगा वो भी हम समय समय पे आपको देते रहेंगे। मानसरोवर गौशाला एवं अनुसंधान केंद्र जो सरकपुर में है, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि गौ माता के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, पंचगव के माध्यम से किस प्रकार आप बहुत क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारी, खतरनाक से खतरनाक बीमारी को बहुत ही आसानी से कैसे ठीक कर सकें, ये हमारा उद्देश्य है। और अब लगभग जुलाई के अंतिम सप्ताह में नया बैच शुरू होने जा रहा है, तो कोई भी भाई या बहन इच्छुक हो तो हमसे संपर्क करने की जो है आप अगर इच्छा रखते हैं तो संपर्क करें। तो हमारा जो मानसरोवर गौशाला एवं अनुसंधान केंद्र का जो नंबर है मैं आपको एक बार जो है बताना चाहता हूं, नंबर है 9810430122। एक बार फिर मैं बोल देता हूं 9810430122। तो यहां आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस गौशाला का और अनुसंधान केंद्र का यही एक उद्देश्य है कि यहां से हर वो व्यक्ति जो यहां आके CCH कोर्स को करे या जो CCH कोर्स को पढ़े, तो उसका यही उद्देश्य हो कि किस प्रकार से आप गौ माता के माध्यम से सभी बीमारियों पर विजय पा सके। जय गौ माता, नमस्कार, वंदे मातरम।